ये भाई अभी से ही थक गया, हमारा ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं हुआ है वो बोलते हैं मैं थक गया, बताओ। What's up my YouTube family, welcome back to my channel Nikhil Agrawal and today I'm going to make a vlog. आज हम लोग जा रहे हैं लाल बाग बोटेनिकल गार्डन which is very famous in Bangalore. Why it's famous? आप लोग को जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तब आप लोग को दिखाऊँगा सब कुछ वहाँ के बारे में. Why? Because वो जो लाल बाग बोटेनिकल गार्डन है वो अराउंड 240 एकड़ में है वो गार्डन, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितना बड़ा होगा. और अभी मैं चलता हूँ, मेरे एक फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ मैं, हु इज़ माई जिम मेट, हम लोग एक साथ वर्कआउट करते हैं, यू कैन से माई जिम पार्टनर ऑल्सो. तो अभी पहले मैं उनके पास चलता हूँ और वहाँ से फिर हम लोग चलेंगे. What's up everybody? ये हमारे श्रीकांत भाई हैं और हम लोग साथ में जिम करते हैं, बट हाँ आज हम लोग जिम बंक करके आए हैं बिकॉज ऑफ दिस गार्डन. सो फाइनली वी रीच टू बॉटनिकल गार्डन और आप जो पीछे देख रहे हैं वो है ग्लास हाउस विच इज़ वेरी फेमस ऑफ दिस बॉटनिकल गार्डन. तो अभी हम लोग यहाँ पे अंदर चलते हैं और देखते हैं. ये भाई अभी से ही थक गया, हमारा ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं हुआ है वो बोलते हैं मैं थक गया, बताओ. ये पीछे जो आप देख रहे हो ना वो नीचे साइड है, डाउन साइड वो है लोटस पॉन्ड. ये पीछे देखो ये कबूतर लोग जो बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, मैं देखा भी बहुत लोग आके पाव जो होता है ना ब्रेड खिला रहे थे. आप ये देखिए कैसे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं. पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है. यूजुअली यहाँ पे इस गार्डन पे रोज लोग सुबह वॉक पे आते हैं और ये जो अभी पीछे चल रहा है योगा काइंड ऑफ कुछ चल रहा है. ये पीछे जो आप देख रहे हो ना ये है केकटी हाउस और फिलहाल ये बंद है, अभी लॉक है तो अंदर नहीं जा सकते, बट हाँ मैं आप लोग को जो है ना बाहर से खड़े होकर थोड़ा सा वीडियो बना देता हूँ और दिखाता हूँ. ये पीछे देखो यहाँ पे जो है ना ये जो बना हुआ है ये कैमेलियन है और उसके उधर जो है वो क्रोकोडाइल है. तो इस पार्क की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे ऐसे फ्लावर्स और ऐसे आर्टिफिशियल वुड से जो एनिमल बनाया हुआ है ना बहुत एक्सेप्शनल आप लोग को देखने को मिलेगा. अभी जैसे ये आप पीछे देख रहे हो ये सारी चीज़ें, तो ये जिस ट्री से बना हुआ है ना वो कोई 200 साल कोई 250 साल ऐसे पुराने ट्रीज़ हैं, मतलब उनसे बना हुआ है. तो उसमें वो चीज़ मेंशन भी किया हुआ है कि ये कौन सा ट्री का है और ये कितना साल पुराना ट्री है. Thank you.
ये पीछे जो आप ईगल देख रहे हो ना, ये जिस ट्री से बना हुआ है उसका नाम है नीलगिरी ट्री और वो 200 साल पुराना ट्री है, उससे बना हुआ है। ये जो है ना लाल बाग हिल्स है, बहुत बड़ा और बहुत ऊपर तक है। आप देखो पीछे से कैसा दिख रहा है। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और देखते हैं। We are at the top of Lalbagh Hills. ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ गए हैं। और ये भाई जो है ना अभी फोटो कहाँ खींचेंगे वो जगह खोज रहे हैं अभी, तो फोटो भी डालेगा सोशल मीडिया पे, देखते रहना। Finally we visited this Lal Bagh Botanical Garden. अभी हम लोग वर्कआउट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। Why? Because आप लोग को हम लोग स्टार्टिंग में बताए थे जैसे कि हम दोनों ही आज वर्कआउट नहीं कर पाए because for this vlog, तो अभी हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। हम लोग आज इससे वर्कआउट करने वाले हैं, दिस इज़ कॉल्ड रेसिस्टेंस बैंड। मैं पहले भी इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ जिसके लिए पूरा बताया था मैं कि वॉट इज़ रेसिस्टेंस बैंड, कितने किसके कलर्स में आते हैं, क्या है, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं उसके पूरा सीरीज बनाया था, जैसे वर्कआउट के लिए चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप्स, लेग्स, एब्स, सबके लिए बनाया हुआ था। आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, आप लोग को डिटेल में पता चल जाएगा। सो फाइनली हम लोग का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोग चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज हम लोग सुबह से निकले हुए थे और बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है और अभी चलते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए। सो फाइनली वी रीच टू होटल, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड फादर डोसा, बहुत बड़ा है। सो फाइनली ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज हम लोग का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है एंड वी आर गोइंग रिटर्न बैक टू आवर होम। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना जिससे आपको आने वाले और भी मेरे अच्छे वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक करो और शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर।